मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं, उस काम में लगा हूं। और तीसरी चीज आंखें, आंखें जो है ना कफ का ही केंद्र है, सबसे बड़ा कफ का केंद्र सिर, दूसरे नंबर पे कान, तीसरी आंख, आंख कफ का केंद्र है। और आंख के ज्यादा रोग, 99% रोग कफ के रोग हैं। जैसे मैंने आपको बोला ना, आंख में आप बोलते हैं कि हमको कैटरेक्ट हो गया, ये कफ का रोग है। मोतियाबिंद हो गया, कफ का रोग है। ग्लूकोमा हो गया, कफ का रोग है। आंखें लाल हो रही हैं, कफ के प्रभाव। तो आंखों की विशेष देखभाल बच्चों की, ताकि चश्मा ना लगे, अब चश्मा ना चढ़े। अब आंखों में क्या करें जी, कफ को कंट्रोल करने, तेल नहीं डाल सकते आंखों में, क्योंकि तेल और आंखों का मेल नहीं है। आंखों में हमेशा एक फ्लूइड रहता है, तेल में डालें माने तेल उस फ्लूइड में गया तो गड़बड़ करता है। तो आंखों के लिए घी ठीक है, देशी गाय का घी। तो बच्चों को नियमित रूप से देशी गाय का घी आंखों में लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है। देशी गाय का घी ये कफ को शांत करता है। लेकिन आप देशी गाय के घी को उपलब्ध नहीं कर पाते किसी कारण से, तो फिर बागवत जी कह रहे हैं कि कफ को शमन करने वाली एक और चीज है, वो है काजल। काजल माने कार्बन। कार्बन कफ को शांत करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। तो बच्चों को नियमित रूप से आंखों में काजल होना ही चाहिए। बागवत जी ने बहुत सुंदर शब्द इस्तेमाल किया है, सौवीर अंजन, उसको कहें काजल, सौवीर अंजन, बहुत सुंदर शब्द है। और बागवती जी इतने दयालु और कृपालु हैं कि उसकी पूरी विधि भी लिख के गए,